नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, ये लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है और इनको 21 डेज पूरा कर लेने के बाद ना 3 दिन और निकले हैं तब इनको रिजल्ट मिला है। हाँ, इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है कि मैं इनका नाम नहीं शेयर कर सकती हूँ, इन्होंने ऊपर ही लिख दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं तो आप मेरा नाम नहीं लेना। मैंने अपने पापा को लव वाइब्रेशन भेजी थी। जब से मेरे पापा को पता चला मेरे अफेयर के बारे में, तब से मेरे पापा बहुत ज़्यादा ही नाराज़ थे और वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरे पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब से उनको मेरे अफेयर की बात पता चली है तब से वो बहुत ही नाराज़ हैं और उन्होंने कह दिया था कि उससे शादी के बारे में भूल जाओ या फिर तुम अब इस घर में रहने के बारे में भूल जाओ। इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, घर में बहुत ज़्यादा तमाशा हो गया था, उसके बाद से मेरे पापा ने मुझसे बात करना पूरा ही बंद कर दिया था। मैं आपको बहुत पहले से ही फॉलो करती हूँ, मैंने आपका लव वाइब्रेशन का वीडियो देखा था और मैंने कमेंट में पूछा था तो मुझे वहाँ किसी ने जवाब दिया कि हाँ, आपको अपने फादर को लव वाइब्रेशन भेजना चाहिए। मैंने लव वाइब्रेशन उसी टाइम से लिया और पूरे 21 दिन तक अपने पापा को लव वाइब्रेशन भेजा। जहाँ मेरे पापा मुझसे बिल्कुल ही बात नहीं करना चाहते थे, वहाँ मेरा मन भी बहुत उदास था। 21 दिन करने के बाद में मैंने उसको छोड़ दिया। मैं अपने ही घर पे रह रही थी, खा रही थी, पढ़ाई कर रही थी, जो भी चीज़ें हो रही थी वो सब कुछ चल रही थी। 3 दिन निकले नहीं थे कि मेरे पापा रात को मेरे पास आए और उन्होंने आकर के मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं लगता अगर तुम किसी लड़के के साथ रिश्ते में जा रही हो तो मैंने तुम्हें ऐसे तो पाला है कम से कम कि तुम कम से कम मुझे आ करके बताओ, मेरे से आ करके शेयर करो। तुम उसके साथ में 3 साल से रिश्ता रखती हो और अब आकर के बताती हो कि तुम्हें उससे शादी करनी है। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा है और मुझे ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या करना है। मैं इतनी ज़ोर से रोई और मैंने अपने पापा को गले लगा दिया। मेरे पापा भी बहुत ज़ोर से रोने लगे और हम दोनों मिलकर के ही रो रहे थे। तब मैंने अपने पापा को बोला, मुझे आप चाहिए, मुझे वो लड़का नहीं चाहिए, आप मुझे अभी बोलो, मैं उसे 1 मिनट में छोड़ देने के लिए रेडी हूँ। मैं लेकिन उससे प्यार करती हूँ, मुझे उसको समझाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा ये चीज़ को रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि मेरे लिए मेरे पापा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो लड़का भी ऐसा ही है, उसके लिए भी अगर मुझे छोड़ना पड़े तो वो पेरेंट्स को चुनेगा। और ये पहले से ही हम दोनों के बीच में बात हो गई थी कि अगर ऐसा कभी भी कोई मौका आया तो हम दोनों पहले अपने मम्मी और पापा को चुनेंगे, लेकिन चुनने की बात नहीं थी, मुझे अपने घर पर स्टैंड लेना था, मुझे बात रखनी थी और मेरा पार्टनर भी घर पर बात रख चुका था। वहाँ पर इशू आया लेकिन उन लोगों ने सब कुछ सॉल्व कर लिया और वो लोग हमारी शादी के लिए मेरे बताने से पहले ही रेडी हो गए थे, लेकिन मेरे घर में इतना ज़्यादा टेंशन हो गया। फिर भी मैंने अपने पापा को बोला कि नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे पहले बताना चाहिए था। हाँ, सच में ये हम सब लोग बहुत गलती करते हैं, अपने पेरेंट्स से ही उस बात को छुपाते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो हमें ऐसा नहीं डरना चाहिए, अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए, ऐसे में कुछ गलत होने से भी हम बच सकते हैं। ये वाली बातें मेरे पापा ने ही मुझे रात को बैठ करके समझाई थी और तब मुझे अपने पापा की बात को समझ में आ गया और फिर मैंने अपने पापा का हाथ पकड़ के प्रॉमिस किया कि आप नहीं बोलोगे तो मैं नहीं करूँगी, भले ही मुझे उसको हाथ पैर जोड़ करके समझाना पड़े। उसका मन दुखेगा क्योंकि उसने अपने घर में बहुत कोशिशें की हैं। फिर भी मैंने अपने पापा को फिर से अपने पार्टनर के बारे में समझाने की कोशिश की। मेरे पापा ने बोला, तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अगर चाहो तो उससे मिलवा सकती हो। और ये बात सुनते ही मुझे लगा कि शायद मेरे पापा अब उसको हमारे रिश्ते के लिए मिलकर के मना करेंगे। मेरे पापा ने कहा, नहीं, पहले मैं उससे मिलूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि क्या करना है। मेरे पापा को मैंने अपने पार्टनर से मिलवाया, मेरे पापा ने तो बिल्कुल ही अलग किया। मेरे पापा ने मेरे पार्टनर को कहा, तुम पहले जॉब करो और मेरी बेटी को भी तब तक सेट हो जाने दो, तब तक प्लीज़ मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों अफेयर जैसा ना चला करके अच्छे दोस्त बन के एक दूसरे का साथ निभाओ। मैं वादा करता हूँ कि जा
करके एक दिन तुम्हारी शादी मैं करवा दूंगा। और मैं ये सुन करके हैरान हो गई। तब मैंने और मेरे पार्टनर ने डिसाइड किया कि आज के बाद हम दोनों पार्टनर की तरह नहीं रहेंगे, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहेंगे। एक दूसरे के करियर में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और अपने अपने पेरेंट्स को हमारी मीटिंग्स की हर एक जानकारी देते रहेंगे। हम कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे और थोड़ा सा सेट हो जाने के बाद में हमारे पेरेंट्स हमारी शादी करवा देंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और सेटिस्फाइड फील करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा मिले हैं, इतनी अच्छी फैमिली मिली है जहाँ पर वो मेरी बात समझते हैं और मुझे एक अच्छी चीज़ समझाते हैं और समझा करके इस चीज़ को यहाँ पर ला करके रोकते हैं, जहाँ पर मेरा और मेरे पार्टनर का एक बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता भी बन रहा है जो कि अब तक नहीं बन पाया था। थैंक्स टू माई पापा, थैंक्स टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक्स टू लव वाइब्रेशन, ट्रस्ट मी, इसने मेरे लिए काम कर दिया और इतनी जल्दी कर दिया। थैंक यू। लव वाइब्रेशन, इनके पापा कितने अच्छे हैं ना, हर किसी को ऐसे पापा मिले, बहुत अच्छा लगा। पापा मम्मी लोग हमारी बहुत केयर करते हैं, कई बार उनका ना रवैया थोड़ा अलग हो जाता है और हमें समझ नहीं आता। कई बार उनका बात करने का तरीका ऐसा हो जाता है कि हमें बुरा लग रहा होता है, पर यहाँ मुझे लगता है थोड़ा पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, बट ठीक है। लव वाइब्रेशन में बहुत सारे लोग इस तरीके के कमेंट्स करते हैं कि हम बहुत टाइम से भेज रहे हैं। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर फादर और डॉटर के बीच में रेजिस्टेंस नहीं था, प्यार था, एक बात पर थोड़ी गुस्सा गुस्से चल रही थी, इस वजह से वो जो मन था वो दोनों का दुखी था। तो इस वजह से भी बहुत जल्दी इनको रिजल्ट आया है। तो जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा, आप बहुत नेगेटिव कम सोचते होंगे, रिश्ते में नेगेटिविटी कम घटी होगी, वहाँ आपको रिजल्ट जल्दी आएगा। और अगर आप खुद ही बहुत नेगेटिव सोचते होंगे, आप खुद ही उस चीज़ को लेकर के बहुत पकड़ करके बैठे होंगे, तो ऐसे केस में आपको रिजल्ट थोड़ा सा लेट आ सकता है। लेकिन लव वाइब्रेशन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से हीलिंग करता है, और स्पेशली रिलेशनशिप केसेस में इसके इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी आई हुई हैं, आप लोगों ने खुद इसके रिजल्ट्स देखे हैं, ये सच में अच्छे से काम करता है। तो प्लीज़ अपने रेजिस्टेंस को, नेगेटिविटी को थोड़ा सा दूर रखें एंड देन स्टार्ट करें और देखें कि आपको कितने अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। हर रिलेशनशिप मैटर करता है, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज वाली सक्सेस स्टोरी हर लड़के लड़की को सुननी चाहिए जो अपने पेरेंट्स से छुप करके अफेयर में जाते हैं, फिर उनके ब्रेकअप होते हैं, फिर वो दोनों अलग अलग होते हैं, फिर अलग तरीके के एक डिप्रेशन में जाते हैं जहां पर वो किसी को बता भी नहीं पाते हैं। सो बेटर होगा कि पेरेंट्स भी दोस्त बने बच्चों के और बच्चे भी दोस्त बने पेरेंट्स के। डरने से और डराने से काम नहीं चलेगा, एक दूसरे की बॉन्डिंग से काम चलेगा, एक दूसरे को समझने से काम चलेगा, तब जा करके हम उन बच्चों को सही सलाह भी दे सकते हैं जिसकी इनके फादर ने दी कि अभी अफेयर जैसा मत चलाना, बेस्ट फ्रेंड्स बन करके रहो, एक टाइम के बाद में हम तुम दोनों की शादी कर देंगे। अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं और बच्चे उस बात को समझते हैं और एक एक चीज़ की खबर अपने पेरेंट्स को देते हैं, उस चीज़ को खराब और गंदा और ऐसे लिगलिगा किए बिना, तो सीरियसली इस लेवल पे किस लेवल पे इन दोनों का प्यार बढ़ेगा आप सोचिए, उन दोनों की फैमिलीज में किस लेवल का बॉन्ड बढ़ेगा। और ये फ्रेंडशिप जब शादी में बदलती है ना, तो उसे बोलते हैं शादी, क्योंकि अब दो बेस्ट फ्रेंड्स शादी करते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, वो सिर्फ पार्टनर कुछ पुची हा मिल लिए, अफेयर कर लिया, रोमांस कर लिया, सेक्स कर लिया, फिजिकल हो गए एंड बस, उससे ये अलग होगा रिश्ता। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपने बोल्ड और समझदारी वाला डिसीजन लिया है दोनों पार्टनर्स ने मिलकर के। अब आपके फैमिली मेम्बर्स, पापा मम्मी, सारे लोगों को पता होगा और इस केस में आपकी लड़ाइयाँ झगड़े होना अपने आप ही खत्म हो जाएगा, बल्कि बॉन्ड बढ़ेगा क्योंकि अब आप बेस्ट फ्रेंड्स हो। बहुत 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 मुबारक हो, क्योंकि अब आपका रिश्ता करके बहुत तेजी से आगे जाने वाला है। आपने अपना रखी ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।